अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही लजीज रेसिपी तवा गोश्त। मटन तवा मसाला बहुत ही बेहतरीन बनता है, आप इसे जरूर बनाएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। इट्स वेरी इजी टू कुक। सबसे पहले हम मटन को बॉईल करके लेंगे। सो एक कुकर में 1 कप मटन क्यूब्स लीजिए, 1 कप पानी डालिए। ये देखिए, इस तरीके से छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट करके लीजिएगा। गैस को रखे हाई फ्लेम पर। 1/2 टीस्पून सॉल्ट, नमक डालें, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अच्छे से मिक्स करके लें। पानी को बॉईल आने के लिए रख दें। वाटर बॉईल आ चुका है, अब गैस को कीजिए मीडियम फ्लेम पर। अब इसे ढककर हम कवर करके कुक करेंगे, जब तक अपना मीट टेंडर नहीं हो जाता, नरम नहीं हो जाता तब तक। या तो फिर आप ढक्कन लगाए और 1 विसल लीजिए और गैस को बंद कर दें। आफ्टर 1 विसल लेते हो गैस को बंद कर दें, क्लोज फ्लेम। ओपन करके चेक कीजिए, अगर कोई पानी है तो आप इसको हाई फ्लेम पर पूरा पानी एब्जॉर्ब होने तक कुक करिए। ये देखिए, पूरा पानी एब्जॉर्ब हो चुका है, अब इसे हम साइड रख देंगे। सबसे पहले हम मसाला पेस्ट बनाएंगे। सो मिक्सर जार में 1.5 कप चॉप टोमेटोज लीजिए। इसमें हम डालेंगे साबुत जीरा 1/2 टीस्पून, 4 बड़ी लहसुन की कलियां और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 चॉप आलमंड, बादाम को क्रश करके डालें, 1/4 कप पानी डालिए और इसे हम ग्राइंड करके एक फाइन पेस्ट बनाकर रेडी करके ले लेंगे। अपना टोमेटो मसाला पेस्ट भी रेडी है, इसको साइड में रखते हैं। एक तवा लीजिए, 2 टेबल स्पून ऑयल डालिए। गैस को रखिए लो फ्लेम पर। सारे खड़े मसाले डालिए, तेज पत्ता, हरी इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च। गैस को रखिए मीडियम फ्लेम पर, थोड़ा 15 सेकेंड्स के लिए क्रैकल होने दीजिए। अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 कप फाइनली चॉप किया हुआ ऑनियन, प्याज। हमें रोस्ट करना है जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता तब तक। हल्का सुनहरा हो चुका है, गैस कीजिए लो फ्लेम पर। एक हरी मिर्च डालिए बारीक कटी हुई, साथ में हम डालेंगे पिसा हुआ लहसुन। अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी। वापस हम अपना गैस मीडियम फ्लेम पर कर देंगे। 2-3 मिनट उसको अच्छे से रोस्ट कीजिए, भूनिए। आफ्टर 3 मिनट्स लेटर हम इसमें अपने सारे ड्राई मसाले ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर डालें, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून क्रश करके कसूरी मेथी, ड्राई फेनुग्रीक। हम अच्छे से रोस्ट करेंगे 15 मिनट्स के लिए। भूनते वक्त बीच बीच में हम 1-1 टेबल स्पून पानी डालते जाएंगे और अच्छे से रोस्ट करेंगे अपने मसाले को। आफ्टर 10 मिनट्स लेटर ऑयल रिलीज हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे अपने बॉईल किए हुए मीट पीसेस। अच्छे से मिक्स कीजिए, रोस्ट कीजिए, भूनिए। साइड से स्क्रैप करते जाइए, मसाले को निकालते जाइए। अच्छे से हमें भूनना है, चिपकने नहीं देना है बिल्कुल भी। वाइल रोस्टिंग हमें बीच बीच में 1-1 टेबल स्पून पानी ऐड करते रहना है और हमें भूनना है। सॉल्ट चेक कीजिए, अगर कम लगे तो 1/4 टीस्पून सॉल्ट और ऐड कीजिए। अपने टेस्ट के हिसाब से आप सॉल्ट ऐड कीजिएगा। 5 मिनट हम रोस्ट करेंगे, जब तक ऑयल रिलीज नहीं हो जाता तब तक। आफ्टर 5 मिनट्स लेटर हम 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। गैस को रखिए लो फ्लेम पर, जब तक थिक कंसिस्टेंसी नहीं हो जाती तब तक हमें 10 मिनट ऐसे ही उसको भूनना है, रोस्ट करना है। आफ्टर 10 मिनट्स लेटर इट्स परफेक्ट, और रेज हो चुका है। हरा धनिया ऊपर से स्प्रिंकल कीजिए। अपना तवा गोश्त रेडी है, अ डिलीशियस तवा गोश्त इज रेडी नाउ। उसको सर्व कीजिए गर्मा गर्म तंदूरी रोटी, चपाती और नान के साथ। सबसे पहले हमारे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आए तो प्लीज इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। डिलीशियस।